बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म को बांटें, इल्म बांटने से बढ़ता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, पार्ट वन है। ये दो पार्ट्स में करूंगा, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसमें अच्छा खासा सिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर रूट, जिस तरह मिसाल 4 का स्क्वायर रूट प्लस 2 और माइनस 2 होता है, इसी तरह जेड का भी स्क्वायर रूट, सपोज कि जेड एक प्लस जेड वन होगा तो एक जो है वो माइनस जेड वन होगा, यानी स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली नेगेटिव, अगर मिसाल के तौर पर एक स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 आयोटा आ रहा है तो दूसरा -3 + 4 आयोटा होगा। ये बात तो पहली बात जहन में रखें। स्क्वायर रूट का वही मकसद होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि 1 + आयोटा का होल स्क्वायर में कर रहा हूँ तो 1 + 2 आयोटा + आयोटा² आयोटा, इसका -1 होता है तो 1 + 2 आयोटा -1 -1 में कैंसिल, तो ये 2 आयोटा, यानी मैं कहूँ कि 2 आयोटा का स्क्वायर रूट जो है वो एक होता है प्लस में 1 + आयोटा और दूसरा होता है माइनस में 1 + आयोटा, यानी एक तो होता है 1 + आयोटा जो हमने देखा और दूसरा अगर -1 - आयोटा का स्क्वायर करेंगे तब ये होगा। आए ज़रा इसी को हम निकालते हैं कि स्क्वायर रूट 2 आयोटा का मालूम करते हैं वो किस तरीके से हमारा 1 + आयोटा और 1 - आयोटा आता है। आप देखें, आए ज़रा ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड दी स्क्वायर रूट्स, और स्क्वायर रूट्स हमेशा दो होते हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 आयोटा। तो आए ज़रा देखते हैं, मैं कहता हूँ कि लेट a + iota b दी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। देखें ये लिखना बहुत जरूरी है, a और b, देखें a और b दोनों रियल नंबर है, हालांकि a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। b इमेजिनरी पार्ट जरूर है आयोटा के साथ, लेकिन b बिजाते खुद जो है वो रियल है। तो अब a + b आयोटा इसका रूट है, इसी तरह सपोज करेंगे, अब इसका मकसद ये होगा कि a + iota b का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 2 आयोटा के। इसका स्क्वायर ले लें तो आ जाता है a² + 2ab iota + iota² b² बराबर, ये 2 आयोटा को मैं से लिख सकता हूँ 0 + 2 आयोटा। तो अब ये a² ये iota² -1 होता है तो ये आ जाएगा a² - b² और प्लस आयोटा और ये 2ab बराबर है 0 + 2 आयोटा के। आप देखें इसको मैंने रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लिया, iota² - 1 होता है तो -b² हो जाएगा इसके साथ। अभी आप ये कंपेयर करें तो एक इक्वेशन बनती है a² - b² = 0 के इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन ये बनती है 2ab = 2 के, या ab जो है ab = 1 के, ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी और वो होगा। अब मैं इसमें से ab = 1 है तो इसमें मैं मिसाल के तौर पर a की वैल्यू ले रहा हूँ तो a हो जाएगा 1/b के, इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, तो ये a² क्या हो जाएगा 1/b का होल स्क्वायर -b² = 0 के, तो 1/b² - b² = 0 के। इसमें देखें बी, इसके नीचे 1b² सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 1 - b^4 = 0 के हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -b^4 - 1 के, तो b^4 = 1 के। तो इससे जो है ये निकलता है कि b² आ जाएगा या +1 या b² आ जाएगा -1। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल एज बी इटसेल्फ इज रियल। बी देखें बिजाते खुद रियल है तो b² - 1 के बराबर नहीं आ सकता, b² + 1 आ गया तो b 1 आ जाएगा इसमें से +1 के, और दूसरा b आ जाएगा -1 के। अगर b+1 है क्योंकि a = 1/b है तो a+1 आ जाएगा और b इसमें से -1 आ जाएगा। यानी देखें ये दो मतलब सेट्स हैं, एक अगर देखें b, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है इधर वाला, देखें a 1 है तो b 1 है, तो हैंस स्क्वायर रूट्स कौन से हुए, हैंस स्क्वायर रूट्स आर पहले a + iota b, यानी एक होगा 1 + iota और दूसरा क्या आया इसमें देखें, और ये a - 1 के सारी, तो ए दूसरा का -1 - iota, तो ये देखें दो स्क्वायर रूट आ गए। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक हमें ये मिला हुआ है, सपोज हमें ये कहा जा रहा है फाइंड दी स्क्वायर रूट्स ऑफ
माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा का स्क्वायर रूट मालूम करना है हमने, तो देखिए मैं यही कहूँगा लेट ए प्लस आयोटा बी बी डी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। तो आप देखें कि ए प्लस आयोटा, इसका मकसद ये होगा कि ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर करूँ तो माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा आना चाहिए। अब इसका स्क्वायर करें आप जिस तरह करते हैं ए स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा टू ए बी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होगा माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा के। तो ये आयोटा स्क्वायर, ये देखिए वही स्टेप आयोटा, इसका माइनस वन हो जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस आयोटा, इधर ये आ जाएगा टू ए बी इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा के। अभी आप देखिए इसमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है माइनस थ्री के और ये टू ए बी आ रहा है फोर के, तो टू ए बी फोर के तो ए बी आ जाएगा टू के, तो इसमें ए की वैल्यू आ जाती है टू अपान बी। टू अपान बी आप इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री और दूसरा ये है टू ए बी इज इक्वल फोर, तो ए टू अपान बी आ गया, ये आ जाएगा टू अपान बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री के, ये हो जाएगा फोर अपान बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री। इसमें से सबको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यह आ जाएगा फोर माइनस बी पावर फोर इक्वल टू माइनस थ्री बी स्क्वायर, ये इधर लेके जाऊंगा यह आ जाएगा माइनस बी पावर फोर प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब मैं इसमें से सबसे पहले माइनस का बन लूँ, यह हो जाएगा बी पावर फोर माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर करूंगा मिडिल टर्म ब्रेक करके, देखिए ये माइनस फोर है, फोर के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट माइनस फोर हो और इसका सब माइनस थ्री हो, तो ये ब्रेक करूँगा बी पावर फोर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल जीरो का माइनस फोर थ्री में, इसमें से बी स्क्वायर कामन यह जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर और प्लस ये वन कामन यह जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो के। इसको आगे लेके जाऊँगा यह जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर एक ब्रेकेट में, दूसरे में आएगा बी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल जीरो। अब अगर मैं बी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो बी स्क्वायर इज इक्वल होता है माइनस वन के, ये नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल एज बी इज रियल, एज बी इट्सेल्फ इज रियल, क्योंकि बी इट्सेल्फ रियल है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ये ले रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर आ जाएगा फोर के, तो इसमें से बी के वैल्यू दो निकलेंगे कि बी प्लस टू के और दूसरा बी इज इक्वल टू माइनस टू के। लेकिन इधर आप देखें कि हमारा जो ए बी है, ए है टू अपान बी के आया है, ए टू अपान बी के आया हुआ है, तो अगर यानी ए है टू अपान बी के तो यह आ जाएगा टू अपान प्लस टू इसमें और इसमें आएगा ए टू अपान माइनस टू, तो इसमें से ए प्लस वन आ जाएगा और इसमें ए आ जाएगा माइनस वन के। तो ये दो मुख्तलिफ सेट्स हैं, इनको ये इसका ऐसा ना कीजिए, इसका ऐसे में ना कीजिएगा, ये डिफरेंट सेट है और ये डिफरेंट सेट है, तो टू स्क्वायर रूट्स कौन से आ गए, टू स्क्वायर रूट्स आर देखिए इसमें से आ जाएगा ए का पहले लिखते ये आ जाएगा वन प्लस टू आयोटा और इसमें से आ जाएगा माइनस वन माइनस टू आयोटा। इसमें से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप चेकिंग करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप वन प्लस टू आयोटा का होल स्क्वायर ले लें तो देखिए वही आएगा वन प्लस टू आयोटा का वन प्लस फोर आयोटा और प्लस फोर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये माइनस फोर हो जाएगा, तो वन प्लस फोर आयोटा माइनस फोर तो वही आता, देखें माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा वही आ गया। तो ये हम इस तरीके से स्क्वायर रूट्स करते हैं, इसका मैं दूसरा पार्ट भी करूँगा जिसमें थोड़ी सी वजाहत के साथ और मैं आऊँगा।